ये सभी नागरिक भाइयों बहनों, आज सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण, जिनमें सड़कों का भी है और पेयजल का भी है, इनके शिलान्यास का कार्यक्रम और लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं गोरखपुर के मतदाताओं को, गोरखपुर के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर विकास की एक नई आभा के साथ प्रदेश, देश और दुनिया के अंदर चमकता हुआ नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, ये केवल एक योजना नहीं है, एक केवल पानी पिलाने की योजना, पानी शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना हमारी भारतीय संस्कृति में ये पुण्य का कार्य माना जाता था। लोग प्याऊ लगाते थे जगह जगह, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कारण हर घर नल की योजना और हर घर नल की योजना में भी पानी ऐसा जैसा शुद्ध आरओ का पानी, जैसे बोतल का पानी आप देखते होंगे दुकानों में, उससे भी शुद्ध पानी अगर कोई मिल सकता है तो वह यह हर घर नल योजना के माध्यम से प्राप्त होने की प्रक्रिया लगभग आधे से अधिक संपन्न हो चुकी है उत्तर प्रदेश राज्य में। और उसी योजना के एक बड़े कार्यक्रम को आज शिलान्यास करके आगे बढ़ाया जा रहा है। पेयजल की योजना उत्तर प्रदेश के अलग अलग भागों के लिए उसका अपना महत्व है। बुंदेलखंड में पानी नहीं था, वहां सभी 4000 गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था लगभग फाइनल हो चुकी है। यानी वहां पे जितनी आबादी है वहां पे हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है। याद करिए, वहां पर पहले ट्रेन से पानी पहुंचाया जाता था, माताओं बहनों को वहां पर 5-5 किलोमीटर दूर तक अपने सिर में गगरी ला करके पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। गर्मियों में वह भी नहीं मिलता था तो ट्रेन से पानी पहुंचता था। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पानी की कमी नहीं, लेकिन शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो इसके लिए आवश्यक था कि उस प्रकार की व्यवस्था लागू हो, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस का एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES के जो बीमारी है उसके पीछे अशुद्ध जल भी है। इस अशुद्ध जल से मुक्ति दिला करके लोगों को शुद्ध जल की आपूर्ति हो और इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो, इसी क्रम में इसकी उपयोगिता पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और आज मुझे प्रसन्नता है, जब एक तरफ इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन को अंतिम चरण में हम लोग लेकर के चल रहे हैं, वहीं शुद्ध पेयजल हर घर नल तक पहुंचेगा, यह उस योजना का ही एक अगला सोपान है। और भाइयों बहनों, उसी सोपान को अमली जामा पहनाने के लिए आज गोरखपुर के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मैं और जल शक्ति मंत्री और विभाग के अधिकारी आपके बीच में यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं देश दुनिया के अंदर एक नई आभा के साथ चमक रहा है। दुनिया के अंदर भारत के बारे में लोगों की भावनाएं थी वो बदली है, भारत के बारे में जो धारणा थी वो बदली है। आज भारत को लोग सम्मान के साथ देखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, 2016-17 के पहले पहचान के संकट के दौर से गुजर रहा था। ये पहचान का संकट, यहां पर दंगाओं के कारण, भाई भतीजावाद के कारण, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, माफियावाद के कारण, इन सब के कारण
उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया था। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये पहचान का संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था, उन लोगों के सामने ही आपने पहचान का संकट खड़ा कर दिया है और स्वयं अपनी पहचान को दुनिया के सामने एक नई आभा के साथ प्रस्तुत किया है। और यही नई आभा है जिसमें नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश का नया गोरखपुर भी आपके सामने है। पहले रामगढ़ ताल यहां पे हत्याएं होती थी, अपराध का गढ़ था, गंदगी का गढ़ था, और आज यहां पर जब रवि किशन जी और महेंद्र पाल सिंह जब फिल्मों में ठुमका लगाते हैं यहां पर, तो आप यहां पर देखते होंगे किस प्रकार से यहां पूरे गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग देखते हैं फिल्मों में कार्य कैसे होता है। इन लोगों के यहां पर फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं लोग, एक साथ मिल करके कर रहे हैं। गोरखपुर में सफाई हो, महापौर पूरी मेहनत के साथ पार्षदों के साथ लगे हैं, पूरी नगर निगम की टीम लगी हुई है। रवि किशन की आवाज में धुन बजाते हुए जब सुबह सुबह घर घर कूड़ा निकालने के लिए गाड़ी निकलती है, लोगों को लगता है कि अब गोरखपुर बदल गया है। जू भी आप देख रहे होंगे, समय निकला परिवार के साथ निकल गए जू देखने के लिए, रामगढ़ ताल में बोटिंग करने के लिए, घूमने के लिए। पहले गोरखपुर में केवल गोरखनाथ मंदिर के कैंपस में, अब रामगढ़ ताल भी देर रात्रि तक। एक दिन मैंने रात्रि को 12 बजे फोन किया प्रशासन के लोगों को, मैंने कहा देखो रामगढ़ ताल की तरफ जाओ, देख करके मुझे बताओ क्या स्थिति है वहां पर। रात 12 बजे 12,000 से 15,000 की भीड़ यहां घूम रही थी। तो मैंने कहा देखो, इसलिए मैंने कहा क्योंकि जो लोग घूम रहे हैं उनमें सुरक्षा का एहसास भी होना चाहिए, इसलिए पुलिस की वहां पे उपस्थिति, पेट्रोलिंग और सुरक्षा का एहसास हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए। आज गोरखपुर में कितनी वायु सेवा है, 14 जगहों से गोरखपुर जुड़ा हुआ है वायु सेवा से, दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से, लखनऊ से, बेंगलुरु से, हैदराबाद से। पहले कोई सोचता था गोरखपुर से वायु सेवा, आज तो भाइयों बहनों वहां भी जुड़ चुका है फर्टिलाइजर। रात्रि को आप फर्टिलाइजर की लाइट थोड़ा देखिए, कभी क्या चमकता है, ऐसे लगता है जैसे मुंबई फेल हो जाएगी उसके सामने। एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, आयुष विश्वविद्यालय और 4 लेन और 6 लेन की सड़कें, जब उसमें स्ट्रीट लाइट जलती है तो बहुत सारे लोग फीके पड़ जाते हैं उसके सामने। भाइयों बहनों, ये नई आभा विकास की है, बिना भेदभाव के शासन की योजना को उपलब्ध कराने का है। आज जो लोकार्पण हुआ है, ये स्पोर्ट्स कॉलेज वाले मार्ग को 4 लेन का बनाने के बाद, पहले वहां पर इस सीजन में 3-3 फुट पानी लगा रहता था, आज जाइए आपको याद आएगी कि वहां पर यूरोप की कोई अच्छी सिटी की शहर है, शहर की कोई अच्छी अच्छा मार्ग, कोई स्मार्ट मार्ग है, पूरा मार्ग एक कोने से जाके देखिए एक जैसी 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। गोरखनाथ मंदिर की पूर्वी गेट से लेकर के स्पोर्ट्स कॉलेज तक आपको 4 लेन की सड़क नजर आएगी। आप एयरपोर्ट से सर्किट हाउस की तरफ आइए, 4 लेन की सड़क, एयरपोर्ट से गोरखनाथ मंदिर होते हुए सुनौली की तरफ जाइए, 4 लेन की सड़क, लखनऊ से सैजनवा होते हुए, गीड़ा होते हुए, नौसड़ होते हुए, सिटी होते हुए, पैडलेगंज होते हुए, मेडिकल कॉलेज की तरफ आप चले जाइए, महाराजगंज की तरफ चले जाइए, 4 लेन की सड़क, हर ओर 4 लेन 4 लेन 6 लेन की सड़क आपको दिखाई देती है। ये विकास की नई आभा है और गोरखपुर विकास की इस गति को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। कहीं आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, कहीं वेटनरी कॉलेज बन रहा है,
कहीं महात्मा बुद्ध के नाम पर भी एक नया विश्वविद्यालय बनाने की प्रक्रिया तेजी के साथ गोरखपुर के बॉर्डर पर ही होने जा रही है। ये विकास तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ विकास, और उस विकास के साथ जोड़ने के लिए आज हमारे जनप्रतिनिधि यहां पर आए हैं। विकास की योजनाओं का लाभ मिले, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें, इस योजना में आने वाले पैसे का सही सदुपयोग हो सके, विकास की इस प्रक्रिया को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, इसी के लिए एक बार फिर से हम गोरखपुर में आए हैं। आपने देखा होगा बाढ़ से पहले लोग त्रस्त रहते थे, आज बरसात होती है लेकिन बाढ़ नहीं आती, बरसात होती है शहरों में तीन तीन दिन तक जल जमाव नहीं होता, आए एक घंटे के बाद पानी निकल गया, एक प्रक्रिया है। लेकिन अब उन सभी से मुक्त होकर के हम भी कह सकते हैं कि हमारा भी विकास हुआ है, हमारे शहर का भी विकास हुआ है, हमारे गांव का विकास हुआ है, कहीं सड़क बनी है, कहीं बिजली आई है, कहीं पर पानी की व्यवस्था हुई है, कहीं स्कूल खुले हैं, कहीं चिकित्सालय खुले हैं, कहीं स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खुले हैं, कहीं पर कोई अन्य केंद्र खुला है, कुछ न कुछ विकास वहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसी विकास की प्रक्रिया के साथ हमें जुड़ना है। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड से चलती है, केवल शिलान्यास नहीं करती है, शिलान्यास के साथ उद्घाटन भी करती है, और योजना का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को भी उपलब्ध कराने का कार्य करती है। और इसीलिए आज हम सब आपको कहने के लिए आए हैं, विकास की इस प्रक्रिया के साथ हमारी ये दौड़ निरंतर आगे बढ़ती रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ विकास और राष्ट्रवाद के लक्ष्य जगाने वाली सरकार कार्य कर रही है, दूसरी तरफ जिन्हें गरीबों का विकास अच्छा नहीं लगता, जिन्हें कमजोरों का उत्थान अच्छा नहीं लगता, जिन्हें नौजवानों को मिलने वाली नौकरी और रोजगार अच्छा नहीं लगता, जिन्हें प्रदेश के अंदर या देश के अंदर किसानों के खुशहाली अच्छी नहीं लगती, वे लोग देश को नए भारत, उभरते हुए भारत, शक्तिशाली भारत, सशक्त भारत अच्छा नहीं लगता, वे दगाबाज और दंगेबाज आज फिर से मोदी जी को रोकने के लिए एकजुट होकर के फिर से बैरियर बांधने का कार्य कर रहे हैं। आपका कार्य है एक सजग नागरिक के रूप में हर प्रकार के बैरियर को हटाना, और मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार को सरपट तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करना। यह अवसर जाति, क्षेत्र, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ेगा। यह अवसर हम सबको मिलकर के विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने से यह कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं। मैं आज 629 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए, जिसमें गोरखपुर महानगर की भी परियोजना है और साथ साथ गोरखपुर जनपद की पेयजल की 197 परियोजनाओं के साथ साथ अन्य सड़क मार्गों की परियोजनाएं भी हैं, इन सभी परियोजनाओं के लिए अपने सभी जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करता हूं, विभाग को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और गोरखपुर वासियों को बधाई देता हूं। जन्माष्टमी के पूर्व यह एक गिफ्ट आप सब लोगों के लिए, एक उपहार आप सबके लिए, आप सबके लिए जन्माष्टमी की मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। आप सब मेरे साथ बोलेंगे।